और ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है यार, कन्वर्टेबल है, ऑडी A3। गाइस इस रेंज में आपको एल्बो गार्ड, चेस्ट पे और बैक पे दोनों पे गार्ड मिल जाते हैं जो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, तो ऐसे बढ़िया बने रहिए और देख रहे हैं हमारे चैनल। तो गाइस आज हम जा रहे हैं राइडिंग जैकेट लेने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है लास्ट टाइम जो हमें एक्सीडेंट हुआ था हमारा लास्ट मंथ, तो कैसे कैसे चोटें आई, तो इसलिए हम जा रहे हैं राइडिंग जैकेट लेने के लिए। साथ में ग्लव्स भी लेके आए, क्योंकि हमारे ग्लव्स जो होते हैं फट गए थे बिल्कुल। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाइक पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलो तो गाइस अभी हम जा रहे हैं करोल बाग। वैसे हम आ चुके हैं करोल बाग में, हमें चाहिए ग्लव्स, तो ग्लव्स लेने हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें ग्लव्स हमारे खराब हो चुके थे। A few moments later. तो गाइस ये है क्विक रिव्यू हमारी जैकेट का और ग्लव्स का। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी पहन के दिखा दी मैंने और फिटिंग विटिंग सब कुछ चेक कर ली। तो गाइस इसमें एल्बो प्रोटेक्शन भी है और चेस्ट में प्रोटेक्शन है और बैक पे प्रोटेक्शन है। बैक पे गाइस इस रेंज में आपको सिर्फ इसी जैकेट में प्रोटेक्शन मिलेगी पूरी ऊपर से नीचे तक, और चेस्ट में भी इसी में मिलेगी आपको। और डबल कलर में लिया हमने बाइक की मैचिंग का, ऐसी जैकेट भी हमने बाइक की मैचिंग के लिए रेड और ब्लैक। तो गाइस लेदर के ग्लव्स हैं और इसमें पाम प्रोटेक्शन भी दे रखा है, अच्छी क्वालिटी है ये भी काफ़ी। तो गाइस ओवरऑल जो लुक है आप देख सकते हो, जितने भी इसमें वाइट पार्ट हैं वो चमकते रात में, है ना, रेडियम वाले पार्ट हैं वो। और गाइस इसमें शोल्डर प्रोटेक्शन भी है जो कि अच्छी क्वालिटी में दे रखी है। तो गाइस ये जैकेट है मोटो मार्शल की, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप देख सकते हो ओवरऑल भाई मुझे तो अच्छा लगा, बाकी का ये आप टाइट भी कर सकते हो इसको। गाइस सारा डिस्काउंट लगाने के बाद में 7000 में मुझे दोनों चीज़ें मिल गई। तो गाइस अभी हमने ले लिया सामान और अभी आ चुके अपनी बाइक पर, ये खड़ी अपनी राइन में। तो गाइस ये है शॉप, ठीक है, एक्सर के हेलमेट वगैरह सब मिलते हैं इन पर, सारे हेलमेट्स हैं। तो गाइस अभी ग्लव्स और जैकेट हमने ले लिए, तो ग्लव्स नहीं है एक्सोर के जो आपको दिखा दिए अभी, बाकी का आप पास से देख सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन भी अच्छी दी है इनमें, ठीक है, नकल गार्ड भी है, सही है भाई, प्रोटेक्शन अच्छी है, ये भी है, यहाँ पे प्रोटेक्शन अच्छी मिल जाएगी। बाकी का मैंने एल साइज़ लिया है, क्योंकि एम साइज़ जो था बिल्कुल फिक्स आ रहा था, मगर यार थोड़ा टाइट लग रहा था मुझे, तो इसलिए गाइस मैंने लिया एल साइज़, जिससे कि थोड़ा दिक्कत ना हो। बाकी का पहली बार ही चला रहा हूँ भाई मैं ये लगाने के बाद। तो गाइस दिल्ली आए थे, दिल्ली से कुछ लेके जाना था, तो गाइस हमने ले लिया अपने सामान, अभी चलते हैं। एक्सोर का हमारा ग्लव्स ले लिया हमने, ठीक है, ये बंधा हुआ है देखो, चिपका हुआ है, क्योंकि हमें जो बाइक है वो ऐसे चलानी है, ठीक है, ब्रेक भी ऐसे लगेगी, क्लच भी ऐसे दबेगा, नहीं वैसे क्लच तो चारों से दबा सकते हैं। बाकी का ग्रिप वगैरह थोड़ी वैसी लग रही है, अजीब सी, पहली बार पहने ना ऐसे लेदर वाले, इसलिए भाई जैकेट में बड़ी गर्मी लग रही है। तो गाइस भाई दिल्ली घूम रहे हैं यार, सुपर बाइक नहीं दिख रही, एक अभी जब हम ग्लव्स ले रहे थे तो हमें सुपर बाइक दिखी थी भाई Z900, भाई साहब शोरूम के अंदर भी ऐसी आवाज़ आ रही थी उसकी तगड़ी, भाई शीशे हिले जा रहे थे उसके शोरूम के। गाइस Z900 देखी आज, मज़ा ही आ गया यार, पहली बार आंखों से देखी, ऊपर से साउंड सुना तो भाई क्या ही बताएं यार, एकदम हार्ट बीट जो है ना एकदम तेज हो गई, धड़कनें तेज हो गई यार बाइक को देख के, सच्ची में साउंड सुन के तो आहा। तो अभी आपको ऑडी दिखाते हैं भाई, कितनी प्यारी लग रही है येलो कलर में, पता नहीं कौन सा मॉडल है, मॉडल अभी देखते हैं। और ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है यार, कन्वर्टेबल है ऑडी A3 भाई, कन्वर्टेबल जी, ये गुजराती गाड़ी है गाइस, ये जो प्लेट पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से भाई का दिल्ली में चल रही है ऑडी A3, कितनी प्यारी लग रही है यार। और भाई ऑडी से टकराता, अभी TVS का स्कूटर अभी जाता ऑडी से टकराने वाला था भाई बंदा, ऑडी कितनी प्यारी लग रही है यार येलो कलर में सच्ची में। चलो यार निकाल लो, चारों तरफ से ऑडी दिखा दी मैंने गाइस आपको, अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे। पीछे हो गए